अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं, एक खसूसी महफ़िल है ईद मिलाद नबी की, और हमारे बड़े भाई हैं वो करवाते हैं महफ़िल, और हम महफ़िल पे जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, साथ में वाले साहब हैं, साथ छोटे भाई है, और हम जा रहे हैं महफ़िल में, और साथ आपको महफ़िल के भी दिखाएंगे, सारे इंतज़ाम दिखाएंगे, और साथ में महफ़िल का माहौल बताएंगे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी महफ़िल करवाते होते हैं ईद मिलाद नबी की। जी अभी हम पहुँच आए हैं यहाँ पे जिधर मिलाद था, और आपको दिखाते हैं मिलाद के थोड़े से झलकियाँ ही हैं, ज़्यादा तो नहीं। ये देखें, नातवानी चल रही है यहाँ पे, बयान भी चल रहा है, मिलाद शरीफ का ख़त्म है। मैं भी मिलता हूँ, कारी साहब बयान कर रहे हैं, साधनात पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे नजर आएंगे कारी साहब आपको। साथ आपको ये दिखाते हैं कि इसमें आईडी कार्ड डालते हैं और उमरे का टिकट मिलता है। फिर ये देखिए, जैसे कि ये भाई हैं, टिकट वगैरह डाल रहे हैं, आईडी कार्ड डाल रहे हैं इनका, उम्रे का टिकट जिस खुश नसीब का निकलेगा बाकी जाके। ये हमने बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, सबके कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसके बाद फिर और बाकी जो खुश नसीब होगा वो फिर अल्लाह के घर जाएगा। महफिल का रश बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है महफिल का रश बढ़ता जा रहा है मज़ीद। और एक बात का इजाफा करते हैं, और महफिल के इख्तिताम पे खाने का भी इंतज़ाम है। ये सब मोहम्मद शफी साहब शील्ड वगैरह रसूल की तोहफे मिल रहे हैं सारे, और कॉलेज से फिदा हुसैन साहब भी हैं हमारे दोस्त, वो भी तशरीफ ले आए। मैं और ये आप लोगों का हजूम देख सकते हैं, कितना हजूम है लोगों का। ये देखें, पहले जैसे आपको दिखाया था कि हाल खाली था, आधा था, अभी फुल हो गया होगा। ये देख सकते हैं राजा मोहम्मद शाफी साहब भी आपके लिए भी इस खूबसूरत तोहफे का इंतजाम है। हाजी मोहम्मद अली साहेब सबको तोहफे में, इमरान साहेब जलालपुर से सबको तोहफे मिल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आ गया बॉक्स आ गया, इसमें उमरे के टिकट्स हैं। आप देखते हैं कि कौन खुश नसीब है जिसको उमरे का टिकट मिलेगा। ये ब्लू बॉक्स आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू बॉक्स आ रहा है। अब इसमें से मौलाना साहब एक नाम चूज़ करेंगे, और पता लगेगा कि कौन खुश नसीब है जो अल्लाह के घर जाना चाहता है। मोहल्ला है, और शाह साहब आप भी आगे तशरीफ ले आए, बहुत शुक्रिया। ये तहाए भी मिल रहे हैं अब। अब ये चूज करेंगे, मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अच्छा।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, सरकार बुलाए तो बड़ी बात नहीं है। ये जिसको सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये बुलावा आया है, उसको स्पष्ट शख्सियत का नाम आमिर सज्जाद वर्ल्ड मेहदी खान तशरीफ लाए। अभी महफिल ख़त्म हो गई है और साथ ही खाने का इंतमाम हुआ है। सामने वाले हाल में खाने का इंतमाम किया गया है, अब लोग वहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से ये सारे अब लोग वहाँ पे जाएंगे और खाने का इंतमाम होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। खाने में आलू गोश्त था और साथ में चावल थे और ये भी इधर बैठे हैं सारे, हम खाना खा रहे हैं, अरे बैठ के खाना खा रहे हैं, बाकी खाना खा के नेक्स्ट देख रहे हैं जी। अभी हम घर जा रहे हैं, मिलाद का ख़त्म जो है ख़त्म हो चुका है और अभी हम घर जा रहे हैं और बाकी घर जाके ब्लॉग बनाएंगे अगला जी। गाइस अभी हम घर आ गए हैं, अभी एंट्री हुए हैं तो महफिल बहुत अच्छी रही है माशाल्लाह, इनामात भी तकसीम किए गए हैं और उसके बाद एक लकी बंदा था जिसकी उमरे की टिकट भी निकली है, ठीक है, और उसके बाद माशाल्लाह खाने का भी अहतमाम था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम था। अनएक्सपेक्टेड लोग थे कि ज़रूरत से ज़्यादा समझ लें कि मेहमान आगे हुए थे जिनकी वजह से समझ लें कवर करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया मामलात को सब। और इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह कल एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपके पास होंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।